मैं तो जो राजपूत महिला संगठन की बात कर रही हूँ, जो हमारी हमारा खुद का संगठन है, जी उसमें हमने सिर्फ ये देखा है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक हाँ नारी जाति का माने मतलब महारानी का जो नृत्य है हाँ संजय लीला भंसाली ने जो दिखाया वो किस आधार पे दिखाया, अगर जी उन्होंने किसी भी इतिहास से अगर पढ़ा है हाँ तो बताएं मुझे, हमें संतोष भाटी, हमें लेकिन ये साबित करें कहना कि भी नहीं जायज उस होगा ना मैम, ये नहीं उस कहना टाइम भी में जायज रानी होगा ना कि महारानी पहले नाम आप का पिक्चर रखा था, रिलीज होने दीजिए, पिक्चर अगर देख रानी लीजिए, महारानी नारी पिक्चर थी देख तो लीजिए, फिर उसके ये बाद मोहम्मद विरोध दर्ज जैसी कराएं, को सीनियर पढ़ा कोर्ट में है, आप जाएं। आपने और आपको मलिक किसी मोहम्मद ने भी जैसी किसी को से पढ़ने पढ़ा बात है, कर दी है, कौन से मुझे काल भी के पास कवि नहीं है? हुई है। हाँ, और वो सूफी मत के कवि है। जी हाँ वो सूफी मत के कवि है, हो सकता है उनके ख्यालों की पद्मावती कोई दूसरी रही हो, नहीं सर ये भी नहीं तो हमारे और एक ख्यालों उन्होंने में तो कोई अपवाद भी के नहीं है, तौर पे दूसरे का अभी सर ये हिंदू भी को कहना डिफाइन नहीं है कि चाहिए संजय करेक्टर भंसाली ने बनाया जो हो, लिखा मैंने है, जो मूवी बनाई है, वो किस बेस से तो लिखाई है? आप किसी के वामपंथी कहने जैसा देखा, आप बता दो आप लोगों हमारा ने खुद का और है, हमारी माँ वामपंथी का और है, विचारधारा ने हमेशा ही हमारी महारानियों का हमें राजनीति ऐतिहासिक का तथ्यों मिथक के कौन साथ हो रहा है, छेड़छाड़ की है। हाँ आप इसको संजय लीला इतने भंसाली हल्के कौन हो मजाक रही है, में महारानियों ऐसी हमें बात अशोक उठा जी, रहे इस हैं, बारे में इतिहास अपनी का बात आप पता ही रखिएगा, नहीं है, अशोक जी रखिएगा इस बारे में बात, इतिहास आज मैंने के कुछ लिए कहना चाहते हैं एक यहाँ पे इसी चीज मसले है, को ना तो रखा। कॉन्ट्रोवर्सी आनंद जी, मैं हाँ यही कहना चाह रहा हूँ कि हैदर जी इस पे भी राजनीति करना चाहते हैं, इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम बनाना चाहते हैं, क्योंकि वामपंथी विचारधारा ने हमेशा ही ऐतिहासिक तथ्यों को झूठा साबित करने की कोशिश की है। आपकी बात भी वाजिब है, आपकी बात भी वाजिब है, लेकिन संतोष भाटी जो सवाल उठाया संतोष भाटी ने सर, वो भी सवाल जायज है अपने आप में, क्योंकि संस्कृति का हिस्सा उसको नहीं मानती है। नलिन और हमारा ही कॉन्ट्रोवर्सी हमेशा, मुझे बताओ क्या फिल्मकारों के पास और कोई टॉपिक नहीं है? ठीक है संतोष जी, मैं लौटूंगा आपके पास, कॉन्ट्रोवर्सी संतोष जी मैं लौटूंगा आपके पास।